स्टॉप इट आई से, गिव मी अ स्ट्रेट आंसर। सर, पीएम की जान को खतरा था, लेकिन इसका सिर्फ शक था, पर उन बच्चों के पास रखा बॉम्ब मुझे साफ साफ दिख रहा था। हेलो, पीएम की रक्षा करना ही तुम्हारी ड्यूटी थी। क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो रूल्स हमारी ब्लू बुक की बाइबल की तरह है। हमारी ड्यूटी में देयर इज नो प्लेस फॉर सेंटीमेंट्स। अगर तुम चाहते तो पीएम को बचा सकते थे। मिस्टर कादिर, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, यू आर सस्पेंडेड। चंद्रकांत वर्मा के देहांत के बाद अगला पीएम कौन बनने वाला है, इसके लिए पार्टी के ऑफिस में बहुत भीड़ जमा हो चुकी है। यहाँ पे दो मुख्य गुटों में झगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी में सभी का मत एक न देखकर ऐसा लग रहा है कि पार्टी दो हाथों में बढ़ सकती है। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग, ये कोई लड़ने का वक्त है क्या? इस परिस्थिति में पार्टी के लोगों को भी बचाना है, और अगर उसे बचा सकता है कोई तो वो है अभिषेक वर्मा। जो भी फैसले दूसरा कोई भी आए चलेगा, लेकिन सिकंदर किसी भी की बात ना। सही कहा। भारतीय राजनीति में एक और मोड़, भारत के इतिहास में देश के लिए कुछ अच्छा सोचने वाले महान नेता आए हैं, और उसी में से आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रकांत वर्मा के बेटे अभिषेक वर्मा भारत के अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पक्का ये जैश मोहम्मद है, बॉम्ब्स एक्टिव करने का जो मेथड यूज किया है देखो। कदीर, हमेशा पीएम के साथ रहने वाली अंजलि बॉम्ब के फटने से पहले दूर क्यों जा रही थी? हर चीज को पुलिस की नजर से मत देखो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो मिस्टर जोसेफ। हेलो मिस्टर मनोज, हाउ आर यू? यू आर कदीर, राइट? यस सर। एक सस्पेंड ऑफिसर का यहाँ पर क्या काम है? हाउ कैन यू कम? सर, मैं ही इसे लेकर। दिस इज नॉट राइट। प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के समय ही कैन नॉट कम। दिस इज टॉप सीक्रेट। लीजिए सर, ही जस्ट वांट टू नो हाउ इट हैपेंड। मैं इनको जानकारी क्यों दूं? क्या अधिकार है इनके पास? देखो, इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है, जब बुला जाए तुम तब आना। उनके लिए ना, क्या देख रहे हो? व्हाट? जिप। ओह शिट। टेंशन मत लीजिए सर, जिप सही है। चर्बी बहुत चढ़ गई है इसको। सर, लैंडमाइन में विकलांग हुए लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ पर? ओ, वहाँ पर सर। नो सर। कादिर, कादिर, अंजलि ये शेड्यूल में नहीं है, तुम प्रोटोकॉल समझती हो ना? जोसेफ, लुक अप, 10 o'clock। ऊपर ये खिड़की दिख रही है जहां कबूतर बैठे हैं, फॉरेंसिक टीम को यहां लेकर आ जा। Thank you.
या तो तू डरपोक है या तेरी आवाज ना पहचान जाऊं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। तेरे आदमी को तो पकड़ लिया, एक दिन तुझे भी पकड़ लूंगा। उस दिन पछताएगा कि तूने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। नेटवर्क प्रॉब्लम। जब हम किसी को फोन करते हैं और सामने वाला उसे अटेंड करके ऐसा कहे कि वो उसका जवाब नहीं दे सकता तो फोन में गड़बड़ नहीं, फोन अटेंड करने वाले में गड़बड़ होती है। डिस्ट्रॉय द फोन इडियट। सर सस्पेक्ट के बहुत से एविडेंस मिले हैं, वी माइट गेट अ बिग ब्रेक। वेरी गुड, इस जगह का पता किसने लगाया? वी मस्ट अप्रिशिएट हिम। वो रहे सर, ग्रीन शर्ट। Where are you here? मैं किसे बोला था ये सब करने के लिए? Sir, this is not your job. अभी इन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं सर। ये सब हमारा काम है, हम देख लेंगे। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं मिस्टर जोसेफ। इन्हें यहाँ से जाने को बोलो। What is this bad smell? नीचे देखिए ना। What? Don't play with me again. Be careful. अरे जरा खिड़की से बाहर देखिए। Oh my God. ये लीजिए, जो मेरा खून करने आए थे उनका फोन और ये। Quiet. मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ तुम। तुम यहाँ से फौरन रवाना हो जाओ। जगह को खाली करो तुम। Get out. What? कह रहा था यहाँ से हट जाइए। मुझे पता है कहाँ खड़ा होना और कहाँ नहीं। हाँ तुम मुझे मत बताओ। अरे स्टूपिड पिजन।